हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स एजुकेशन। 21 दिन के सफल लॉकडाउन के बाद आज 10 बजे प्रधानमंत्री ने पुनः लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी। ये जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक चलेगा। जी हाँ, देश में जो स्थितियाँ वर्तमान में हैं उनको देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया और राज्यों ने भी इसको सहमति दी। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि एक्टिव केसेस भारत में इस वक्त 8988 हैं, 1035 ठीक हो चुके हैं, 339 डेथ हो चुकी हैं और एक है वो देश छोड़ के चला गया। तो आज प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की। आगे देखिए प्रधानमंत्री का संबोधन देश के नाम। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, हम विजयी कैसे हो, हमारे यहां नुकसान कम से कम कैसे हो, लोगों की दिक्कतें कम कैसे करें, इन बातों को लेकर राज्यों के साथ निरंतर चर्चाएं की है। और इन सभी चर्चाओं में से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं।